चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है कि जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो और प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर जो होता है बी सी सी का, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, यानी कि एफ सी सी का जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वही आपका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा बी सी सी का। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कहता है। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस देखेंगे एफ सी सी का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक एफ सी सी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग मान लेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। अब जब ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है तो इसका कुछ वैल्यू आपको लिखना है। यहां पर मान लीजिए कि ये प्लेन आपका ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो यहां पर आपको ए वेक्टर लिखने के लिए देखिए एक्स एक्सिस में कितना दूरी चलना पड़ेगा। अब देखिए कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर इसका ये सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर है। तो जब यहां से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इसका जो एज है वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि इसका फेस सेंटर में यहाँ है तो यहाँ पर जो ये आएगा वो हाफ आएगा, हाफ ए बाई टू। अगर टोटल ए बाई टू है तो यहाँ से यहाँ हाफ होगा, और ये अगर ए है तो यहाँ से यहाँ भी हाफ होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ए डैश, बी डैश और सी डैश लिखेंगे। ठीक है, तो यहां भी हम लोग ए डैश हम लोग कर लेंगे। ए डैश का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो ए डैश में आप देखिए कि एक्स एक्सिस में कितना आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में आप यहां पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में आप ए बाई टू आ रहे हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ए बाई टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई कैप दे देंगे। उसके बाद फिर प्लस हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग वाई एक्सिस में कितना दूरी चल रहे हैं, वाई एक्सिस में देखिए यहाँ से यहाँ तक चले हम लोग वाई एक्सिस में, तो ये भी हमारा कितना ए बाई टू है, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे ए बाई टू, इधर हो जाएगा जे कैप। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन वन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए बी डैश, बी डैश जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, बी डैश के लिए आप चलिए हम लोग इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर आने के लिए हम लोग फिर से हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग हाफ चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं दिखाएं, तो आप डायरेक्ट समझ चुके होंगे, तो वाई एक्सिस में आप जा रहे इसलिए जे कैप लगाएंगे। उसके बाद देखिए हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग जेड एक्सिस में कितना चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग ए का आधा चल रहे हैं, टोटल ए है इसका आधा हम लोग चल रहे हैं, तो प्लस देंगे ए बाई टू, और ये जेड एक्सिस का है इसलिए हम लोग यहाँ पर के कैप लिखेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर टू हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें आ जाइए, ये आपका हो जाएगा फैक्टर सी डैश में हम लोग दे देंगे। तो यहाँ चलने के लिए देखिए एक्स एक्सिस में हम लोग कितना, एक्स एक्सिस में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ हम लोग चलेंगे कितना ए बाई टू, तो एक्स एक्सिस में तो ये हो जाएगा ए बाई टू, और इसको हम लोग लिखेंगे आई कैप प्लस। अब इसमें एक्स जरूरत पड़ेगा और हमको जेड जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर हम लोग नहीं आ रहे, ये प्लेन इस तरह का है, तो इधर एक्स है और इधर जेड है, तो एक्स और जेड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जेड में हम लोग कितना हाफ चल रहे हैं, जेड में भी कितना चलेंगे हाफ, तो बहुत ईजी था ये, आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन थ्री। अब देखिए जहां पर आई जे जो है वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए अगर हम लोग ए स्टार बी स्टार वेक्टर हम लोग यहां लिख देंगे, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर बी द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, तब डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल लैटिस का, ये हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर या प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर जो हम लोग इसका स्पेशल वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इसको प्रूव किया। ठीक है, ए स्टार वेक्टर अगर हम लोगों को निकालना है तो इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि अगर प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ए बी सी हो तो इस तरह होगा, लेकिन ए डैश, बी डैश, सी डैश हो तो हम लोग सिर्फ यहाँ डैश लगा देंगे। ठीक है, सब में क्या लगा देंगे, डैश। तो ए स्टार वेक्टर का ये फार्मूला हो जाएगा, बी स्टार वेक्टर का ये फार्मूला हो जाएगा, डैश के साथ डैश लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ये डैश हम जानबूझ के छोड़े थे, क्यों हम लोग डैश लगा रहे हैं उसका कंडीशन आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सी स्टार वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ ए डैश, बी डैश और यहाँ ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये इसका प्रूफ हमने किया है, वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर का वैल्यू हम लोग एम में हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी डैश सी डैश वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ए डैश वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी डैश क्रॉस सी डैश
वेक्टर के साथ हम लोग इसको निकालेंगे। तो एक हम लोग निकाल लेते हैं, बाकी फिर वीडियो पॉज करके हम लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, बी डैश सी डैश क्रॉस में। तो बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इक्वेशन टू का इस्तेमाल करेंगे, ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप यूजिंग इक्वेशन टू, फिर क्रॉस है तो क्रॉस देंगे, उसके बाद सी डैश हमको चाहिए तो ये इस्तेमाल करेंगे, ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू के कैप, ये हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, यूजिंग इक्वेशंस टू एंड थ्री, दो और तीन के इस्तेमाल करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ए बाई टू दोनों में है तो कॉमन हम लोग ले लेंगे, ए बाई टू अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा जे कैप और यहाँ बचेगा प्लस के कैप इन टू या क्रॉस, यहाँ पर ए बाई टू यहाँ भी ए बाई टू, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा आई कैप प्लस के कैप, कोई दिक्कत नो दिक्कत, ये सिंपल कॉन्स्टेंट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर और टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर बाई में जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो बचा वो बचा है आपका ये, ठीक है, आई प्लस के कैप। अब इसका काम हम लोगों को करना है, तो चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ कर लिए, अब इसको इसके साथ करेंगे के साथ, तो प्लस जे क्रॉस के, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब के को हम लोग लिखेंगे के वेक्टर इंटू आई वेक्टर, आई वेक्टर है ये आई है ना, तो इसके साथ हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए के क्रॉस इंटू क्रॉस प्रोडक्ट के, कोई दिक्कत नो दिक्कत। देखिए ये फंडा आपको पता होगा कि अगर हम लोग क्लॉक वाइज चले तो पॉजिटिव लिखते हैं, एंटी क्लॉक वाइज चले तो नेगेटिव लिखते हैं। तो आई जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई है तो एंटी चल रहे हैं हम लोग, तो के हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस के कैप प्लस। अब देखिए जे आई, तो जे जे आई चल रहे हैं हम, नहीं जे के चल रहे, तो जे के चल रहे तो आई हो जाएगा प्लस का, ठीक है, क्लॉक वाइज चल रहे, देखिए क्लॉक वाइज हम लोग चल रहे, ठीक है, घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें आते हैं, के आई है, के आई तो यहाँ हो जाएगा प्लस का जे प्लस, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम रहेगा तो होता है उसका वैल्यू कितना जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो ये हमारा ए बाई ए स्क्वायर बाई फोर, इधर में हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, पहले आई वाला लिख लेंगे फिर जे वाला लिख लेंगे उसके बाद हम लोग माइनस के वाला लिख लेंगे, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेवन, कोई दिक्कत, ये हो गया इक्वेशन सेवन। अब हम लोग देखिए यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, क्या कि इसका हमको जरूरत है तो इसको ही मिटाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग रिजल्ट को रखते हैं, बाकी हम लोग मिटा लेते थे, ये रिजल्ट जो हमारा किसका बी डैश क्रॉस सी डैश, ठीक है, तो इसका ऊपर हम लोग रफ कर लेते हैं, आप इसको साथ में बना लीजिएगा। अब हमको क्या चाहिए, नौ, अब हमको चाहिए देखिए नीचे वाला वॉल्यूम जो है इसका, ए डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन वन, तो ए का वैल्यू हमारा कितना है, ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब इसका हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, इसका सीधा हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, क्या ए स्क्वायर बाई और बी डैश क्रॉस सी डैश हम लोग निकाल चुके हैं मेरे दोस्त, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट है, यहाँ पर डॉट है, ध्यान दीजिएगा डॉट है, ठीक है, तो डॉट लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हो गया कंप्लीटेड। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट, यहाँ से कॉन्स्टेंट लेंगे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो यहाँ आई प्लस जे और डॉट हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बाई फोर और अंदर में जो बच्चा है वो है हमारा इस तरह का क्वांटिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सिंपल है तो हो जाएगा ए ए क्यूब हो जाएगा स्क्वायर और ए फिर से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा और चार दूनी आठ। अब यहाँ पर क्या है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ए क्यूब बाई एट हो जाएगा। अब देखिए आई आई का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन 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 कोफिशियंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। उसके बाद देखिए जे और जे का कोफिशियंट वन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। के का कोफिशियंट यहाँ जीरो है यहाँ माइनस वन है तो जीरो के साथ माइनस वन जाएगा तो क्या होगा प्लस का जीरो या माइनस का जीरो, जीरो कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे ए बाई थ्री एट, अब यहाँ ए बाई थ्री नहीं ए का पावर थ्री बाई एट। अब देखिए वन वन क्या होगा टू, तो टू से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेचारा कट जाएगा और ये बचेगा ए बाई ए का पावर थ्री और नीचे में बचेगा फोर। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं क्या, ये हम लोग निकाल चुके हैं वॉल्यूम किसका, जो हम लोग यूनिट सेल हम लोग कंसिडर किए थे उसका। अब देखिए अब हम लोगों के पास
ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, पुट कर देंगे इक्वेशन फोर में। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसका भी काम हो गया, अब इसका झंझट हम लोग क्यों रखे, तो उसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन आठ। ठीक है, इक्वेशन सेवन एंड एट इन इक्वेशन कितना, फोर में। ठीक है, फोर में पुट करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर, ए स्टार वेक्टर जो है वो इसका टू पाई को, टू पाई हम लोग रहने देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका इसका वैल्यू बी डैश सी डैश क्रॉस प्रोडक्ट इसका जो है वो है हमारा क्या, हम लोग सिंपल इनटू लिख लेते हैं, तो ए का पावर टू बाई फोर और ये है हमारा आई प्लस जे माइनस के, ये है। उसके बाद, उसके बाद हम लोगों को वॉल्यूम बट्टा में क्या चाहिए, बट्टा में चाहिए वो है वॉल्यूम, तो ये है हमारा क्या, ए क्यूब बाई फोर, ए क्यूब बाई फोर, तो देखिए फोर से फोर सीधा मर जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर से ए क्यूब काटेंगे तो ए गो ए नीचे में बचेगा, अब ऊपर में क्या है देखिए टू पाई और नीचे में ए गो है, तो ए लिख देंगे हम लोग, उसके बाद क्या बचा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हमारा निकल चुका है क्या ए स्टार वेक्टर, और ये जो है हमारा वो हमारा क्या है प्रिमिटिव ट्रांजिशनल वेक्टर है ए, ए किसका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, तो यही प्रूव करना था। ठीक है, बी स्टार वेक्टर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली करेंगे, क्या करेंगे सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे बी स्टार वेक्टर जो होगा वो देखिए वो क्या हो जाएगा टू पाई पाई ए, अब अंदर में चलिए देखिए अब ये आई वाला माइनस कर दीजिए, आई कैप माइनस हो गया तो बाकी जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अगर सी स्टार वेक्टर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो बाहर में तो सेम रहेगा, अंदर में देखिए एक बार के माइनस हो चुका है, एक बार आई माइनस हो चुका है, अब जे बचा लेते, जे को क्यों छोड़ेंगे, इसको माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, याद करने का कॉन्सेप्ट ये था, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं विच इज द, यहाँ लिख देंगे विच इज द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, ट्रांसलेशनल वेक्टर, वेक्टर ऑफ बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का ट्रांसलेशनल वेक्टर यही होता है। ठीक है, टू पाई वहां पर सिर्फ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलिए, तो ये था हमारा एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। धन्यवाद।